भाजपा महिला मोर्चा लोकसभा महिला सम्मेलन में रेलवे से चुराई चादर दिखा। रेलवे ने 2023 में 55,000 चादर 2,00,000 तौलिया गायब होने का किया था दावा। बीजेपी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता निकली रेलवे के चादर चोर। रेलवे में मचा हड़कंप। बीजेपी लोकसभा महिला सम्मेलन उरुईल मुख्यालय स्थित मणिनांद्रालय उत्सव का ग्रह का मामला। बीजेपी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता निकली रेलवे के चादर चोर। रेलवे में मचा हड़कंप। ट्रेन के एसी कोच से चोरी चादर दिखा। भाजपा महिला मोर्चा के लोकसभा महिला सम्मेलन में ट्रेन के एसी कोच से चोरी चादर दिखा। बीजेपी महिला सम्मेलन में जालौन से बड़ी खबर आ रही। जालौन में भाजपा महिला मोर्चा के लोकसभा महिला सम्मेलन में रेलवे से चुराई चादर दिखा। ट्रेनों में चादर चोरी की घटनाओं को लेकर रेलवे प्रशासन था हलकान। पिछले वर्ष रेलवे में 55,000 चादर 2,00,000 तौलिया गायब होने की किया था दावा। सैकड़ों की संख्या में बसों से भरकर पहुंची थी विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता जालौन से अजमीनाज खान जुड़ गई। अजमीनाज खान, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, आपको बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई स्थित उत्सव गृह में भाजपा लोकसभा कार्यालय में महिला मोर्चा का लोकसभा महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जहां पर गजब का नजारा देखने को मिला। जहां पर कार्यक्रम में टेबल पर भारतीय रेलवे केंद्र की चादर बिछी हुई थी, जबकि ट्रेनों में चादर चोरी होने की घटनाओं को लेकर रेलवे प्रशासन हलकान था। बड़ा सवाल, आखिर इंडियन रेलवे की चादर जालौन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कैसे पहुंची? क्योंकि क्योंकि पिछले वर्ष इंडियन रेलवे ने 55,000 चादर और 2,00,000 तौलिये गायब होने का दावा किया था, इसीलिए इस वीडियो के सामने आने के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अजमीनाज खान, इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जालौन से बड़ी खबर आ रही है। जालौन में पिछले साल 55,000 चादर 2,00,000 तौलिया गायब होने से रेलवे में मचा था हड़कंप, और ये तौलिया और चादर आज उरई के जालौन में भाजपा महिला मोर्चा के लोकसभा महिला सम्मेलन में देखने को मिला।